बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर और आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की कड़ाही की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। जी हाँ, लाहौरी चिकन कढ़ाई। तो यहाँ पर जो है वो आप देख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती रहूँगी कि कैसे मैंने यूज़ करनी है। यहाँ मैंने 1 किलो चिकन लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरीके से जो है वॉश कर लिया है। और एक कढ़ाई में जब 1/2 कप ऑयल जो है गर्म हो गया था, तो मैं सारी चिकन इसके अंदर शामिल करूँगी, क्योंकि चिकन को हमने करना है फ्राई। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो कच्ची चिकन भी जिस तरह कर लेते हैं, ऑयल में डाल के जो है सारी चीज़ें साथ डाल देते हैं, लेकिन नहीं, चिकन को जो है हमने इतना फ्राई करना है कि वो अपना कलर चेंज कर दे। यानी यहाँ मैंने इसको जो है वो तकरीबन 7 से 8 मिनट तक जो है वो हाई फ्लेम में जो है वो फ्राई किया है। तो इसी से इसका जो है अच्छा भी टेस्ट आएगा और इसमें जो है वो टेंडर भी तकरीबन जल्दी हो जाएगी, क्योंकि चिकन तो वैसे भी झटपट तरीके से जो है वो बनती है। आप ये मटन के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं और बीफ में भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो चिकन को मैं अच्छी तरीके से जो है वो फ्राई कर रही हूँ, और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो दूसरी चीज़ें इसके अंदर करेंगे शामिल। और अगर आपने जो है वो इस तरह से कढ़ाई कभी नहीं बनाई है, तो आप फटाफट और खटाखट जो है वो बना सकते हैं, बल्कि आज ही बना सकते हैं। इसमें कोई जो है वो इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है वो चिकन हो रही है फ्राई, और जब अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है, तो अब इसके अंदर जो है वो मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भर के जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। जी हाँ, तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया है। तो अब इसको और अच्छी तरीके से मैंने करना है फ्राई। अच्छा, फिर ये होता है कि ऑयल में जो है ना अदरक लहसुन जलने लगता है, तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। और चिकन ने तो वैसे ही जो है वो पानी छोड़ दिया होता है, तो इस वक्त इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन मुस्तकिल जो है चमचे को चलाते रहना है। तो अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से इसके अंदर भुन चुका है। तो अब मैंने जो है वो 1/2 किलो से ज़्यादा, यानी 3 पाव के करीब मैंने लिए हैं टमाटर, और 4 से 5 अदद जो है मैंने हरी मिर्चें ली हैं। और टमाटरों को जो है मैंने इस तरह से जो है कट कर लिया सर्कल में। अच्छा, आप साबित टमाटर भी इसमें डाल सकते हैं, और उसको जो है वो गलने के बाद तो आप उसकी स्किन भी निकाल सकते हैं। और लेकिन मैं इसी तरीके से ये बना रही हूँ, तो आप लोग इस तरह भी बना सकते हैं। तो अब इसमें जाएंगे फटाफट खटाखट स्पाइसेस। जी हाँ, सॉल्ट लिया मैंने 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून भर के मैंने लिया रेड चिली पाउडर, और चिली फ्लेक्स मैंने 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और लिया है धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से कर रही हूँ मिक्स। देखिए, ये सारे मसाले जो हैं वो अमूमन हर घर की जीनत होते हैं, यानी हर घर में मौजूद होते हैं, तो इसमें कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। यानी अगर आपके घर में चिकन है, टमाटर है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो फटाफट और खटाखट बना सकते हैं। और यकीन माने कि ये इतने मज़े की कढ़ाई बनती है कि आप जो है वो इसको एक बार नहीं, बार बार और लगातार बनाएंगे। तो अब मैंने जो इसको कवर कर दिया है, और इसको जो है टमाटर और सारी चीज़ों का मैं गलने का करूँगी इंतज़ार, क्योंकि चिकन ऑलमोस्ट हमारी डन है। तो मैंने फटाफट और खटाखट ही जो है वो अब जो है सारा काम सरंजाम देना है। तो यहाँ पर अब जो है वो भुनाई का अमल शुरू हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी इसकी आई है लुक। तो अब इस स्टेज में जो मैं चीज़ें इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, उसके अंदर है मैंने 1/2 कप दही का इस्तेमाल किया है। अच्छा, कढ़ाई में जो है ना दही का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन अमूमन लोग नहीं करते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भर के जो है कसूरी मेथी का भी इसमें शामिल कर दिया, जिसे मैंने भिगो के रख लिया था। और जब भी कसूरी मेथी जो है वो आप इस्तेमाल करें, उसको आपने वॉश करना है अच्छी तरीके से। और यहाँ पर जो है 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चें कुटी हुई, यानी बहुत बारीक आपने जो है वो इसका पाउडर शेप में नहीं रखना है, थोड़ी कुटी हुई जो है काली मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल कर ली हैं। तो यहाँ पर बस अब हो रही है भुनाई। तो बस ये इसको खाएंगे तंदूरी नान के साथ, रोगड़ी नान के साथ, गार्लिक नान के साथ, और जिस नान के साथ खाना है उस नान के साथ जो है वो मैं भी खा सकती हूँ और आप भी खा सकते हैं, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से जो है कढ़ाई हो रही है तैयार। तो बस मैंने इसको ज़रा ढक दिया है, ताकि काली मिर्चें और जो दूसरी चीज़ें वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने इसको जो है वो 3 मिनट के लिए जो है वो हाई फ्लेम में जो है वो कुक किया है, और आप देख सकते हैं कि बस इसका हमने पानी करना है ड्राई, और ऑलमोस्ट हमारी कढ़ाई यानी लाहौरी चिकन कढ़ाई जो है वो डन है।
और इतना इसको अभी पकाना है कि जो है वो तेल मसाले को जो है छोड़ दे, तो हमारी ये तकरीबन डन होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने झटपट तरीके से ये कढ़ाई तैयार हो गई है, और कढ़ाई हर तरीके से बनती है, और जो मुख्तलिफ इनके तरीके हैं तो उनमें इनका मुख्तलिफ ही टेस्ट भी आता है। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़े की लग रही है। तो आपने इस कढ़ाई को करना है ज़रूर ट्राई, सही है, और यकीनन जो है वो आप घर में बनाएंगे तो सब खुश होंगे, और कितने जल्दी और कितने जो है वो आराम से स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी चीज़ें इसके अंदर जब शामिल हुई हैं तो इसका आया है मज़ा। तो बस मसालों की जो है वो आगे पीछे कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब कढ़ाइयाँ हो गई या दूसरी जितने भी खाने बन रहे हैं उसमें जो है स्पाइसेस अगर चेंज होंगे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बस थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल किया है और इसको जो है वो 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी मैं। तो माशाल्लाह से इसमें अब मैंने जो है वो थोड़ा सा जो है बारीक कटा हुआ जो है अदरक शामिल कर लिया है, और इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर और खुशबू आती है, और कढ़ाई में तो वैसे ही भी गार्निश में भी अदरक ज़रूर डलती है। बस ये अभी 5 मिनट के लिए दम पे हुआ, उसके बाद मैंने इसको डिश आउट किया, और आप देख सकते हैं कि हमारी लाहौरी चिकन कढ़ाई कितने मज़े की बनी है। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे अपने कॉमेंट्स में ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।